फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी चल रहा है कार्तिक का महीना। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक के महीने में स्नान, दान और पूजा का विशेष महत्व है। इस महीने में तारों की छाओं में स्नान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस महीने में दान पुण्य करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस महीने में दीप दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में तुलसा जी के पास दीपक जलाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस महीने में तुलसी विवाह भी किया जाता है और इसी कार्तिक के महीने में भगवान श्री हरि विष्णु अपनी योग निद्रा से जागे थे। इसी पावन महीने में भगवान श्री हरि विष्णु ने तुलसा जी के साथ विवाह किया था। तो कार्तिक के मास में तुलसी विवाह भी किया जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कार्तिक के महीने में तुलसा जी की पूजा कैसे करें। जो कार्तिक का महीना होता है वो शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा तक चलता है। आप चाहें तो ये तुलसी पूजा कार्तिक की पूर्णिमा वाले दिन कर सकते हैं और तुलसी पूजा सबको ही करनी चाहिए। कार्तिक मास में तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक मास के महीने में भगवान श्री हरि विष्णु ने एकादशी के दिन तुलसी माता के साथ विवाह किया था और इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु अपनी योग निद्रा से जागे थे। तो एकादशी से पूर्णिमा के बीच आप किसी भी दिन तुलसी पूजा कर सकते हैं। जो लोग तुलसी विवाह करते हैं वो एकादशी के दिन करते हैं, जो लोग कार्तिक मास की पूजा करते हैं वो पूर्णिमा को करते हैं या फिर एकादशी से पूर्णिमा के बीच किसी भी दिन कर सकते हैं। तो कार्तिक मास में तुलसी पूजा की विधि क्या है ये सब मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए आई है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल का बटन होता है उस पर जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अगर आपको आज का ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं तुलसी पूजा की विधि क्या है। सो फ्रेंड्स, पूजा करने से पहले मैंने यहाँ पर पूजा की सभी प्रिपरेशंस कर लिए हैं और पूजा की थाली में मैंने क्या क्या रखा है एक बार मैं आपको कैमरा पास कर दिखा देती हूँ। तो पूजा की थाली में मैंने यहाँ पर रखा है रोली, चंदन, चावल, धूपबत्ती, एक घी का दीपक, सिंदूर, मौली, जल। और मैंने यहाँ पर ये पांच जगह पूड़ियाँ रखी हैं। ये 35 पूड़ियाँ हैं तो मैंने सात सात पूड़ी के ये पांच जगह पूड़ियाँ रखी हुई है और हर पूड़ी के ऊपर मैंने एक एक लड्डू भी रखा हुआ है। अगर आप पूड़ी नहीं बना सकते हैं तो फिर आप 35 पीस मिठाई के भी ले सकते हैं। आप कोई भी मार्केट से मिठाई ले लीजिए और अगर पॉसिबल हो तो फिर आप पूड़ी ज़रूर बनाइएगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पर तैयार की है ये तुलसी माता के लिए सुहाग की थाली। तो सुहाग की थाली में सबसे पहले तो हमें चाहिए एक तुलसी माता की ड्रेस। आप चाहें तो एक साड़ी भी ले सकते हैं बट मैंने यहाँ पर ये इस तरीके की ड्रेस ली है। और उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पर चूड़ी। मैंने यहाँ पर लाल रंग की चूड़ियाँ ली हैं, शीशा, दक्षिणा, बिंदी, महावर, मेहंदी, बिछिया, कंगी, एक बड़े साइज की चुन्नी ली है मैंने ये। और उसके बाद रबर, लिपस्टिक, नेल पेंट, सिंदूर और एक क्रीम और एक पाउडर। आप चाहें तो इसके बाद भी और भी चीज़ें रख सकते हैं जो भी आप तुलसी माता को अर्पण करना चाहते हो। और यहाँ पर मैंने पूजा की सभी तैयारियाँ कर ली हैं तो अब हम पूजन करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक तुलसा जी का गमला और एक स्थान को साफ कर कर वहाँ पर एक अष्टदल कमल बना लीजिए या फिर वहाँ पर एक चौक बना लीजिए और चौक के ऊपर थोड़े से चावल के दाने ज़रूर डालिएगा। तो मैंने यहाँ पर चावल थोड़े से अष्टदल कमल पर डाल दिए हैं और उसके बाद अब हम इस अष्टदल कमल के ऊपर गमले को स्थापित कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर गमला स्थापित कर लिया है और उसके बाद पूजा की सभी तैयारियाँ कर ली हैं, आसन भी बिछा लिया है पूजा करने के लिए। तो अब हम पूजन करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम तुलसा जी के गमले में शालिग्राम भगवान को स्थापित करेंगे और उसके बाद हम जल लेकर शालिग्राम भगवान को स्नान कराएंगे और हम तुलसी माता को भी थोड़ा सा जल छिड़केंगे। और उसके बाद जो चंदन है और रोली है तो हम चंदन का तिलक शालिग्राम भगवान को लगाएंगे। जब भी तुलसी माता की पूजा करें शालिग्राम भगवान को उनके साथ जरूर बिठाएं और रोली का तिलक हम तुलसी माता को लगाएंगे और चावल हम शालिग्राम भगवान पर नहीं चढ़ाएंगे और तुलसी माता को हम चावल चढ़ाएंगे। शालिग्राम भगवान पर चावल चढ़ाना वर्जित है। और उसके बाद हम दीप धूप प्रज्वलित करेंगे और उसके बाद हम धूप दिखाएंगे शालिग्राम भगवान और तुलसी माता को और दीप दिखाएंगे इस तरीके से।
और उसके बाद हम थोड़ा सा मौली का पीस लेकर शालिग्राम भगवान को वस्त्र के रूप में अर्पण करेंगे। और उसके बाद ये जो मैंने ड्रेस लिया है इसको मैं तुलसी माता को पहनाऊंगी। मैंने यहाँ पर ये छोटे साइज का ही ड्रेस लिया है, आप चाहें तो पूरी साड़ी ले सकते हैं, माता रानी के लिए जेवर ले सकते हैं, पायल है, नथ है, टीका है, जैसा भी लोगों की श्रद्धा होती है, सब लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार तुलसी माता को अर्पण करते हैं। और मैंने यहाँ पर ये ड्रेस तुलसी माता को पहना दिया है। और उसके बाद अब हम एक बड़ा सा मौली का पीस लेंगे और उसके बाद हम इस पूरे पीस को तुलसी माता और शालिग्राम के ऊपर घुमाकर इस तरीके से बांध देंगे, जिस तरीके से हम एक बंधन होता है शादी वाला, उस तरीके से हम शालिग्राम भगवान और तुलसी माता के ऊपर इस तरीके से बांध देंगे। और उसके बाद ये जो पूड़ी वाला प्रसाद है, लड्डू और पूड़ी का प्रसाद, हम शालिग्राम भगवान और तुलसी माता को अर्पण करेंगे। और उसके बाद ये जो बड़े साइज की चुन्नी है ये हम तुलसी माता को ऊपर से उड़ाएंगे। तो मैंने यहाँ पर चुन्नी को भी उड़ा दिया है। और उसके बाद हमने जो सुहाग की थाली में बिंदी का जो भी पत्ता रखे उसमें से एक बिंदी तुलसी माता को जरूर लगाएं। तो और उसके बाद बिंदी लगाने के बाद ये जो बिछिया है ये हम तुलसी माता को पहनाएंगे। और जो चूड़ी है, चूड़ी की जो डिब्बी होती है उसमें से दो चार चूड़ी हम तुलसी माता को इस तरीके से उनकी किसी टहनी में पहना देंगे। तो अभी ये चुन्नी है मेरी जो कि नीचे गिर गई थी, तो मैं इसको ऊपर की तरफ लगा दूंगी। मेरी ये जो तुलसा जी है बहुत ज़्यादा लंबी है तो मैं ये ऊपर की तरफ कर दूंगी। और उसके बाद जो भी सुहाग का सामान थाली में रखा है, हम सब कुछ तो माता रानी पर नहीं चढ़ा सकते हैं, तो हम इस तरीके से तुलसी माता को अर्पण करेंगे। और जल का लोटा और दीपक अभी मैं नीचे रखूंगी। और उसके साथ ही अब जो ये पूड़ी वाला प्रसाद है ये हम सब तुलसी माता को भोग लगाएंगे इस तरीके से। और उसके बाद हम फूल माला लेकर शालिग्राम भगवान को अर्पण करेंगे, तुलसी माता को अर्पण करेंगे। आप चाहें तो फूल माला चढ़ाइए या फिर आप मोती की माला चढ़ा सकते हैं, कोई भी हार चढ़ा सकते हैं, सोने चांदी का, जैसे भी आपकी श्रद्धा हो, टीका है, नथ है, पायल बिछिए, आप कुछ भी तुलसी माता को चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद हम थोड़ा सा जल तुलसी माता को अर्पण करेंगे। और सबसे लास्ट में हम भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करेंगे और तुलसी माता की आरती करेंगे। और अगर आपको आरती याद नहीं है तो फिर आप कोई भी आरती संग्रह ले लीजिए, उसमें तुलसी माता और विष्णु भगवान की आरती लिखी होती है। तो मैं भी यहाँ पर आरती संग्रह में देखकर ही तुलसी माता की आरती कर रही हूँ। और आरती करने के पश्चात हम दीपक के ऊपर इस तरीके से थोड़ा सा जल घुमाकर आसन के सामने छिड़केंगे और जल को अपने माथे से स्पर्श करेंगे। और उसके बाद हम शालिग्राम भगवान और तुलसी माता की चरण वंदना करेंगे। और सबसे लास्ट में हम सिंदूर लेकर तुलसी माता को लगाएंगे। जैसे हम अपनी मांग में सिंदूर लगाते हैं उसी तरीके से हम तुलसी माता को लगाएंगे। और इसी सिंदूर को हम अपने बिंदी के स्थान पर और मांग में लगा लेंगे। और उसके बाद हम हाथ जोड़कर तुलसी मैया को और शालिग्राम भगवान को प्रणाम करेंगे और उनसे पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे। और उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो हमारी इस पूजा को स्वीकार करें। और उसके बाद हम एक बार फिर से शालिग्राम भगवान और तुलसी माता की चरण वंदना करेंगे। इस तरीके से फ्रेंड्स पूर्ण होती है कार्तिक मास में तुलसी पूजा की विधि। तो फ्रेंड्स इतनी सब पूजा करने के पश्चात ये जो सुहाग वाली थाली है, और मैंने यहाँ पर ये जो पांच जगह पूड़ियाँ रखी थी तो हम एक जगह पूड़ी उठाकर इस तरीके से सुहाग वाली थाली में रख लेंगे। और इस सुहाग की थाली को हम अपने घर में सास को दे सकते हैं, ननद को दे सकते हैं या फिर जिठानी को दे सकते हैं। हम उनकी चरण वंदना कर ये सुहाग की थाली उनको देंगे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अगर आपके घर में सास, ननद या फिर जिठानी नहीं है तो फिर आप जिससे भी अपना बड़ा समझते हो, जिसकी आप चरण वंदना करते हो, आप उनको ये सुहाग की थाली पैर छू कर दे दें।
और उसके बाद ये जो चार जगह पूड़ियाँ बची हैं तो एक जगह पूड़ी हम स्वयं प्रसाद के लिए रख लेंगे, इस प्रसाद को हम स्वयं ग्रहण करेंगे, और जो तीन जगह पूड़ी बचेंगी उसको हम किसी सुहागन स्त्री को, एक एक तीन सुहागन स्त्री को हम दे देंगे। सो फ्रेंड्स, ये तो थी कार्तिक मास में तुलसी पूजा की संपूर्ण पूजन विधि। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देख लिया है कि कार्तिक मास में तुलसी पूजा की विधि क्या है। आई होप फ्रेंड्स आपको आज का ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा। आगे मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।